A very warm welcome to all my dear students. Welcome back to my channel. I'm Kanchan, your maths teacher. आज हम लोग करने वाले हैं पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज नंबर 11.2, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी देख कर रखा है 35 सेंटीमीटर एंड ए डी 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल. ये बी एम और डी एल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व. सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो देखते हैं. हमें पैरेललोग्राम हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं सबसे पहले. ओके, गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और ये हमको बेस गिवन है ए बी, इट्स 35 सेंटीमीटर एंड डी ए इज 49 सेंटीमीटर. ओके, गिवन है हमें, हमें ये निकालना है. निकालना क्या है, हमें डी एल निकालना है और हमें बी एम निकालना है. ओके, सो निकालने स्टार्ट करते हैं हम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है हमें कितना, 1470. अब हम बेस क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बेस हम लेते हैं ए बी इनटू हाइट हम यहाँ पर ले लेते हैं, डी एल की हाइट ले लेते हैं. ओके, ए बी हमको गिवन है 35, डी एल गिवन नहीं है तो हम डी एल का डी एल ले लेते हैं. अब यहाँ पर इनटू है, मल्टीप्लाई से यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे, 35 इक्वल्स टू डी एल. ओके, 7 के टेबल से 7 5 35 7 2 14 7 1 5 4 20 5 4 20 कैरी 1 5 2 10 42 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, डी एल आ गया. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब हम दूसरे की भी निकाल लेते हैं, दूसरे की हाइट भी निकाल लेते हैं. पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. ओके, देख लेते हैं. बेस हमें 1470 दिया था, 1470 दिया था. ओके, यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस है 49, हाइट गिवन नहीं है. हाइट हमें क्या निकालनी थी, क्वेश्चन में गिवन था इट्स बी एम, इट्स बी एम. ओके, 1470 इंटू है, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 49 इक्वल्स टू बी एम, 7 7 49, 7 2 14, 10 7 7 3 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, बी एम आ गया. ओके, ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए. ओके, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.
ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।